देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बुधवार को देर शाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 मॉल एवेन्यू आवास पर बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने पहुंचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक में दोनों दलों के बीच प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद जल्द ही दोनों दलों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। मायावती से मिलकर अखिलेश यादव अभी निकले हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी फ्लीट जो आगे जा रही है वो अखिलेश यादव हैं और पूरी तरीके से अभी मायावती से मिलकर वो यहां से निकले और माना यह जा रहा है कि कल जिस तरीके से बैठक होनी है मायावती की, जो अपनी कोर कमेटी की बैठक करेंगी, उनमें टिकटों के वितरण को लेकर जिस तरीके से क्राइटेरिया है उन चीज़ों को लेकर आज डिस्कशन अखिलेश यादव ने मायावती से किया और वहीं पर किस तरीके से जो मंच साझा करना है, आगे जिस तरीके से बैठकों का दौर चलना है, आगे जिस तरीके से मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आएंगे, उन चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई। और वहीं जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह का आज एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो गठबंधन में है, वहीं बसपा ने एकदम साफ इसको इनकार कर दिया है, उनमें किस तरीके से स्टैंड आगे रखना, इन सभी चीज़ों को लेकर आज अखिलेश यादव ने मायावती से चर्चा की है। और पूरी तरीके से उस चर्चा के बाद माना यह जा रहा है कि एक दूसरा स्वरूप महागठबंधन का इस बैठक के बाद देखने को मिल सकता है। कैमरामैन सोमपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।